हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्नेहा क्लासेस। तो चलिए फटाफट से देखते हैं आज हम कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यस, आज हम करेंगे क्लास 8 का क्वेश्चन, और वो भी क्वेश्चन है हमारा मेंसुरेशन का। ठीक है, मेंसुरेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए, अभी तक तो मैं न्यू बुक से पढ़ा रही थी, लेकिन ये क्वेश्चन पुरानी जो पुराना वर्जन था बुक का, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो आई थॉट लेट्स सॉल्व दिस एंड आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। बहुत इजी है, टाइल्स से रिलेटेड है कि अगर एक पैरेललोग्राम शेप फ्लोर है या टाइल्स हैं, तो उसे एक फ्लोर में कितने नंबर ऑफ टाइल्स फिट होंगे। ओके, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो और समझते हैं इस क्वेश्चन को। बट उससे पहले, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करिए कि वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। और अगर आपको इंग्लिश की वीडियोस चाहिए, शॉर्ट वीडियोस, तो डेफिनेटली आई एम गोना हेल्प यू। तो फटाफट से कमेंट करिए, अब वीडियो देखिए ताकि हम क्वेश्चन समझ पाए किस तरीके से करना है। सी, अ फ्लोरिंग टाइल हैज इन द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम। जो टाइल है वो कौन सी शेप में? पैरेललोग्राम। तो वी कैन मेक इट लाइक दिस। ओके, एंड द बेस इज ऑफ 24 सेंटीमीटर। तो जो बेस है वो कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो हाइट, सी इन पैरेललोग्राम द हाइट इज अ परपेंडिकुलर। ओके, वी कैन मेक इट लाइक दिस, और हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो पैरेललोग्राम शेप काइंड ऑफ। ठीक है, एंड द बेस, बेस कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो वी कैन राइट इट 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट, हाइट क्या होता है? हाइट इज द परपेंडिकुलर। जो ये परपेंडिकुलर होता है, दैट इज द हाइट। ठीक है, तो हाइट कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। तो हियर वी कैन मेक इट लाइक दिस, दिस इज द हाइट, दिस इज 10 सेंटीमीटर, एंड वी कैन कंसिडर इट अ बेस। तो ये कितना होगा? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द पैरेललोग्राम शेप। नाउ हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर। ठीक है, एक फ्लोर है काइंड ऑफ दिस, इतना बड़ा एक फ्लोर है, और इसमें इस शेप के टाइल्स ऐसे ऐसे फिट हो रहे हैं। ठीक है, काइंड ऑफ दिस। तो दिस इज व्हाट आस्किंग कि इस फ्लोर में ऐसे कितने टाइल्स फिट होंगे। ओके, एंड द एरिया इज गिवन दिस। जो फ्लोर का, इस फ्लोर का एरिया है वो कितना दिया है? 1080 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम टाइल्स का एरिया निकाल लें, एंड वी विल डिवाइड दैट टाइल्स एरिया बाय द टोटल एरिया। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल राइट, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एरिया, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ अ फ्लोर इज इक्वल्स टू 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फ्लोर का एरिया है। नाउ टाइल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल, क्योंकि हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ टाइल्स आर इसमें फिटेड है। ओके, तो एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल मीन्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट। क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, बेस इज 24 एंड हाइट इज 10। ओके, तो 240 मीटर, दिस इज सेंटीमीटर। सी, दिस इज सेंटीमीटर ना, तो सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें जो एरिया दिया है वो कितना दिया है? मीटर स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? तो हमें ये सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में फर्स्ट। ओके, तो कैसे? सेंटीमीटर इज स्मॉलर देन मीटर, या 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ वन टाइल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ वन टाइल 240 डिवाइडेड बाय 1000 किलो हेक्टो मीटर, किलो हेक्टो डेका मीटर, डेसी सेंटी। नो बेटा, 100 से होगा, नॉट 1000। ओके, 100 से होगा। देखो कैसे पता चला, एक सीरीज होती है, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। तो सेंटी यहाँ है, हमें कहाँ कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो कितने प्लेसेस पे? वन एंड टू। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से। ओके, देन इट विल बिकम मीटर स्क्वायर। सी,
बट 100 है और ये मीटर स्क्वायर है, तो हमें 100 मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा. ओके स्क्वायर है बिकॉज इट इज स्क्वायर, ठीक है ना. दैट्स व्हाई. और वी कैन ऑल्सो डू, वी कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 100 इनटू 100, ठीक है. दोनों में से एक कर सकते हैं, किसी भी एक को, इधर मीटर स्क्वायर में बनाया नहीं या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, किसी भी एक में करना है. ओके तो एरिया ऑफ वन टाइल कितना हो जाएगा, 240, पहले तो जीरो से जीरो, तो कितना हो जाएगा 24, या बट वी आर नॉट फाइंडिंग इट इन डेसिमल, क्योंकि जो आंसर आएगा ना वो डेसिमल में तो नहीं आएगा, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, ठीक है. रीजन सी, तो अभी क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल्स, तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल. ओके एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल. ओके तो एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर इज 1080 एंड डिवाइडेड बाय सी 24/1000, ठीक है. जब भी ऐसे कंडीशन में डिविजन होता है तो व्हाट वी डू, हम इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1080 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 24. गेटिंग इट. ओके सी कैसे होता है, हम इसके नीचे वन कंसिडर करेंगे एंड जब भी फ्रैक्शन में डिवाइड होता है लाइक 1/4 एंड डिवाइड होगा 2/5, तो क्या होगा 1/4 मल्टीप्लाई 5/2, रेसिप्रोकेट होके मल्टीप्लाई होता है. ओके तो यही मैंने यहाँ पे किया है. एनी कंफ्यूजन, ठीक है. तो सी 24, तो ये हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं लाइक 12 2 से 24 एंड 12 9 1 0 8 होता है, ठीक है. तो 9 90 हो जाएगा. देन अगेन वी कैन डिवाइडेड बाय 2, तो 2 4 8 और बचा क्या 1 110 2 5 तो 45 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है. सी दिस वाज द रीजन आई हैवन डिवाइडेड इट कंप्लीटली दिस वन, गॉट इट, समझ में आया. इसलिए मैंने उसे पूरा डिवाइड नहीं किया था बिकॉज क्या हमारा आंसर ऐसे ही आ जाएगा. तो आंसर क्या आया 45,000. तो कितने टाइल्स रिक्वायर्ड है, 45 नंबर ऑफ टाइल्स आर रिक्वायर्ड. ओके एनी डाउट. तो आई होप गाइस आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो देर क्यों कर रहे हैं भाई, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और वीडियोस को शेयर करिए एज मच एज यू कैन. ओके अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग. तो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा. अगर क्वेश्चन समझ में आया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो. बाय बाय, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. बाय.